अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ वॉशिंग मशीन से रिलेटेड कुछ नई चीज़ें लेके। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि आपकी वॉशिंग मशीन चाहे वो मैनुअल है चाहे वो ऑटोमेटिक है, सॉफ्टनर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले जान लें कि डिटर्जेंट बेसिकली है क्या और डिटर्जेंट और सॉफ्टनर में डिफरेंस क्या है और लिक्विड डिटर्जेंट क्या है। सो डिटर्जेंट एक ऐसा मटेरियल या ऐसा केमिकल कह लें जो कपड़े धोने में हमें हेल्प करता है, कपड़ों की क्लीनिंग करता है, कपड़ों से स्टेन्स रिमूव करता है, कपड़ों से डस्ट और डर्ट को निकालता है, वो हो गया डिटर्जेंट। तो अगर हम सॉफ्टनर की बात करें तो बहुत सारे लोगों को डिटर्जेंट और सॉफ्टनर का डिफरेंस ही नहीं पता। वो डिटर्जेंट को समझते हैं सोप, कपड़े धोने वाला सोप या फिर सर्फ, और सॉफ्टनर को कंसीडर करते हैं कि चूँकि जो लिक्विड डिटर्जेंट है वो सॉफ्ट होता है, लिक्विड होता है, तो वो सॉफ्टनर है। तो भाई ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सॉफ्टनर बेसिकली कहा जाता है एक ऐसा कंडीशनर या ऐसा मटेरियल कि जो आपके कपड़े डिटर्जेंट से धुल जाते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, उसके बाद उन कपड़ों की कंडीशनिंग के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं सॉफ्टनर। सो अब बात करते हैं कि आपकी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो टॉप लोडिंग हो, चाहे वो फ्रंट लोडिंग हो, या आपकी मैनुअल वॉशिंग मशीन हो, सब में एक बॉक्स दिया जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, और वो बॉक्स इस तरह का बॉक्स होता है या उसके डिफरेंट तीन कंपार्टमेंट्स भी होते हैं, समटाइम्स टू होते हैं, समटाइम्स सिर्फ एक कंपार्टमेंट। अभी जो हमारे पास मौजूद है हायर की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, इसमें हमारे पास जो डिटर्जेंट बॉक्स है बेसिकली वो टू पोर्शंस है उसके, लेफ्ट वाला जो है डिटर्जेंट के लिए है, राइट वाला सॉफ्टनर के लिए है। अगर आप कपड़ों की कंडीशनिंग करना चाहते हैं तो सॉफ्टनर किस वक्त यूज़ किया जाए। तो जनाब यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन को ओपन कर लेती हूँ उसका लिड, यहाँ पे मैं लिक्विड डिटर्जेंट यहाँ पे रखती हूँ, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ ये जो डिटर्जेंट बॉक्स है उस सूरत में मैं मयरिंग कप में, सपोज अभी मेरी जो कपड़ों की क्वांटिटी है आलमोस्ट ये हाफ से कम है, ओके वन थर्ड है ड्रम का, तो उस वक्त मैं वन थर्ड यहाँ पे 20 ml ले लूँगी लिक्विड डिटर्जेंट, और यहाँ पे डिटर्जेंट बॉक्स में डिटर्जेंट वाले पोर्शन में डाल दूँगी, दैट्स इट। फिर मैं कोई सर्फ नहीं ऐड करूँगी, पाउडर फॉर्म में ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। कंडीशनर या सॉफ्टनर की हम थर्ड नंबर पे बात करेंगे, राइट। सिर्फ मैं इसमें डालूँगी, डाल के इसको बंद करूँगी और वॉशिंग मशीन को डेफिनेटली उठाने के बाद मैं इसको ऑन कर दूँगी, ठीक है। तो इस क्वांटिटी के साथ हमारे कपड़े बहुत अच्छे से धुल जाएंगे इन केस मैं सिर्फ लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करूँ। यहाँ पे एक और बात ऐड करती चलूँ, इन केस आप चाहते हैं कि आपने लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ किया लेकिन आपने गलती से सॉफ्टनर के बॉक्स में भी डाल दिया, तो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, बल्कि जैसे नॉर्मल कंडीशन में बाय डिफॉल्ट आपके कपड़े धुलते हैं वैसे ही आपके कपड़े धुलेंगे, ठीक है। और इन केस आप यहाँ पे डिटर्जेंट यहाँ पे नहीं डालते इस पोर्शन में तो आप यहाँ भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और एट द सेम टाइम अगर आप डिटर्जेंट लिक्विड भी यूज़ करना चाहते हैं और हमें भी यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे सर्फ डाल सकते हैं, यहाँ पे सर्फ डाल सकते हैं, दोनों में से एक पोर्शन में लिक्विड डाल दें, एक में सर्फ डाल दें। अगर ये भी नहीं करना चाहते एक पोर्शन में दोनों डाल दें, एक को खाली रखें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तीसरी बात एट द सेम टाइम में करती चलूँ, अगर इसमें नहीं भी डालते तब भी नो प्रॉब्लम, आप सिंपली ये कर सकते हैं आप डायरेक्ट बी ड्रम में डाल सकते हैं। यहाँ पे जो है पाउडर डिटर्जेंट कैसे यूज़ किया जाता है, वॉशिंग मशीन को ऑन करेंगे, इसमें लॉन्ड्री डाल देंगे, उसके बाद हमने यहाँ पे लिड ओपन करना है, खुल जा सिम सिम, आज खुल ही जाए। तो यहाँ पे सिम सिम खुल चुकी, तो हमने सिंपल ये करना है डिटर्जेंट बॉक्स को निकालना है बाहर,
और यहाँ पे डाल देना है, थोड़ा सा ऊपर कर दिया भाई, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे भी नीचे भी गया, अभी कोई मसला नहीं है। यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा पानी भी डाल के यहाँ से राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चूँकि मेरे पास 1/3 ऑफ ये ड्रम जो कपड़ों की क्वांटिटी है, हाफ भी नहीं है, तो मैं उसी मुताबिक इसमें सर्फ भी डालती हूँ। ठीक है, सर्फ का ये जो बना हुआ है डिटर्जेंट का बॉक्स, इसमें मैं पाउडर जो डिटर्जेंट है उसका 1/3 ही दूँगी। अगर मेरे पास ड्रम में कपड़ों की क्वांटिटी हाफ तक है तो उस वक्त में मैं पाउडर डिटर्जेंट हाफ लेती हूँ। जब यहाँ पे कपड़ों की क्वांटिटी यहाँ ऊपर तक है या उस वक्त में होती है नॉर्मली जब हम बेडशीट्स डाल रहे होते हैं या जब कपड़े बहुत ज़्यादा धोने के लिए होते हैं, या तीसरा ऑप्शन होता है जब ब्लैंकेट हम धो रहे होते हैं, तो डेफिनेटली उस वक्त यहाँ पे अगर आप पाउडर डिटर्जेंट यूज़ करें तो वो फुल होगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक डालेंगे, इसको कर देंगे बंद। अभी हम सॉफ्टनर या कंडीशनर की बात नहीं कर रहे, इसको किया जाता है बंद। बंद करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे वॉशिंग मशीन स्टार्ट, लाइक मैंने ये कर दी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इको पे कर रही हूँ। इको पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट मेड 1 rinse 4 minutes और ये वाली सेटिंग आ रही है राइट। यहाँ पे देखिए ये मैं स्टार्ट करके आपको दिखाती हूँ, ये मैंने कर लिया स्टार्ट, ये आ गई इको पे। यहाँ पे इस अब स्टार्ट के लिए मैं ये बटन प्रेस करूँगी स्टार्ट का, और यहाँ पे अब हमारी टब लेगी पानी और उसके साथ डिटर्जेंट जो है ड्रम में चला जाएगा। आपको ये लो जी, हो गया हमारा काम। इसके बाद वॉशिंग मशीन अपना काम स्टार्ट कर देगी, बट यहाँ पे मैं इसको करूँगी पास। अब चलते हैं हम तीसरी चीज़ पे, तो तीसरी चीज़ है सॉफ्टनर या कपड़ों का कंडीशनर कहते हैं। बहुत सारे कंडीशनर मार्केट में अवेलेबल हैं, वो भी लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा अवेलेबल हैं और अब मार्केट में सॉलिड फॉर्म में भी आ चुके हैं। ये कंडीशनिंग कपड़ों की कब हो, तो कंडीशनिंग हमेशा वॉशिंग के बाद, रिंसिंग के बाद आपके कपड़ों की कंडीशनिंग होती है। तो क्या होता है कि जब हमने वॉशिंग मशीन यहाँ पर की स्टार्ट, हमने वॉशिंग मशीन स्टार्ट की, अभी देखें वॉश हो रहा है, अभी हम डिटर्जेंट ही डालेंगे फर्स्ट वॉश के वक्त में। जब वॉशिंग इसकी प्रॉपर हो जाएगी उसके बाद ये रिंस के ऑप्शन पे आएगा, फिर कपड़े जो धुल चुके हैं उसमें से डिटर्जेंट निकालने के लिए रिंस चलेगा। जब दो दफ़ा रिंसिंग हो जाएगी, एक रिंस में दो दफ़ा वॉशिंग मशीन पानी लेती है। ठीक है, जब रिंसिंग हो जाती है और डेफिनेटली यू हैव टू कीप आई ऑन योर वॉशिंग मशीन, आपको पता है कि कितने टाइम आपने वॉशिंग में कितना लगेगा, रिंसिंग में कितना लगेगा, जैसे आप यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं। सपोज़ ये देखिए स्पिन टाइमिंग आपकी 4 minutes है, तो टोटल आपके 30 minutes लेगी, तो आप यहाँ पे लास्ट वाली रिंसिंग के दौरान ही अगर 26 minutes पे रिंसिंग ख़त्म हो रही है, तो आप एटलीस्ट, मेरी सजेशन है कि आप अगर कंडीशनर यूज़ करना चाहते हैं, सॉफ्टनर यूज़ करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट 24 minutes या 23 minutes पे आगे इसको पास करें, और पास करने के बाद आप वॉशिंग मशीन को खोलें। आप यहाँ पे डायरेक्ट कंडीशनर यहाँ पे भी कपड़ों में डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ डाल सकते हैं, या फिर इस पोर्शन में डाल सकते हैं। उसकी क्वांटिटी का मेजरमेंट्स भी बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया। अगर आपके कपड़े फुल हैं, टब यहाँ तक है, तो इसको फुल भर दें, अगर मीडियम है तो मीडियम भरें इस पोर्शन को, अगर हाफ है तो कंडीशनर हाफ करें। इसके अलावा कंडीशनर्स के ऊपर प्रॉपर आपको गाइडलाइन दी जाती है कि कपड़ों की कितनी क्वांटिटी के लिए कितना कंडीशनर यूज़ किया जाए। उस पॉइंट पे आके, रिंस के लास्ट वाले पॉइंट पे आके इसमें आप कंडीशनर डाल देंगे, उसके बाद आप वॉशिंग मशीन दोबारा यहाँ से रिज्यूम कर लेंगे। जब दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो एक दफ़ा रिंसिंग के साथ कंडीशनिंग हो जाएगी, उसके बाद आपके कपड़े स्पिन हो जाएंगे। आपके साथ शेयर करती चलूँ तो मेथड 2 ये है कि शुरू में ही जब आपने डिटर्जेंट डाल दिया वॉशिंग मशीन में, उसके बाद आपने ये करना है कि उसके बाद वॉशिंग मशीन डिटर्जेंट, सपोज आपने लॉन्ड्री डाली, डिटर्जेंट यहाँ पे डाल दिया या डायरेक्ट यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद आप आएंगे वॉशिंग मशीन को करेंगे स्टार्ट।
ठीक है। जब आपने वॉशिंग मशीन स्टार्ट की, अगर आप सेफ एंड पे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रोग्रेस पे आके स्पिन को हम ज़ीरो कर देंगे, मतलब स्पिन का ऑप्शन नहीं लगाएंगे। और ये सेकेंड टाइम आता है, एक दफ़ा फिर करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप प्रोग्रेस को एक दफ़ा प्रेस करें तो आपको तो ये वॉश का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन हमें वॉश और रिंस चाहिए या सोप भी चाहिए अगर कपड़े ज़्यादा गंदे हैं। तो मैं सेकेंड टाइम इसको प्रेस करूँगी तो वॉश और रिंस आ गया। अब देखें 32 मिनट्स हमें अभी कॉटन सेटिंग पे ये बता रहे हैं 32 मिनट्स। सो 32 मिनट्स आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से वॉशिंग मशीन स्टार्ट करके आप चले जाएँ, ठीक है। जब ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वॉशिंग मशीन रिंस करके रुक जाएगी। जब वॉशिंग मशीन रिंस करके रुक जाएगी तो उस वक्त में आप आगे, चूँकि रिंस कर चुकी होगी तो इसके अंदर पानी नहीं मौजूद होगा, रिंसिंग करने के बाद वॉशिंग मशीन ने पानी ड्रेन कर दिया होगा। सो उस सूरत में आप ये करेंगे कि आप जो आपका कंडीशनर है उसको किसी भी मग में पानी लेके, एक मग की जो क्वांटिटी होती है उतना पानी लेके, कपड़ों के मुताबिक जितना आपको कंडीशनर चाहिए उसमें कंडीशनर डिज़ोल्व करेंगे, फिर इन कपड़ों में डाल देंगे। आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप पानी की क्वांटिटी एक मग के बजाय चार मग्स भी कर सकते हैं, तीन मग्स भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्वांटिटी एटलीस्ट वन मग ज़रूर होनी चाहिए। वो पानी जिसमें आपने कंडीशनर डिज़ोल्व किया है वो आप वॉशिंग मशीन में डाल दें। वॉशिंग मशीन में डालने के बाद उस वक्त आपने सिंपली यहाँ पर, चूँकि ये ऑफ होगी, आप इसको ऑन करेंगे और यहाँ पे ये सारी सेटिंग रिमूव करके सिर्फ आप स्पिन पे चले जाएंगे। और स्पिन के लिए मैं पहले एपिसोड में भी कम्प्लीटली डिस्कस कर चुकी हूँ, सिर्फ आप स्पिन का ऑप्शन लगाएंगे 5 मिनट्स का। बस आपने करना ये है कि कपड़े एक पाउच की फॉर्म में ना हों, लम्स ना बने, बल्कि कपड़े खोल के आप डालेंगे और यहाँ से स्टार्ट कर देंगे बटन। इस तरह से आपके कपड़ों की कंडीशनिंग हो जाएगी।